हेलो बच्चों, मैं हूं प्रबल प्रताप और स्वागत करता हूं आप लोगों का डाउटनट लाइव में। तो बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूं यार कि सीक्रेट स्टडी टिप्स क्या होती हैं जो कि एक टॉपर के पास होती है। मतलब आप लोगों को अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं यार कि यार ये तो टॉपर है, यार ये तो है ही अलग, यार इनका तो दिमाग ही अलग है। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं पढ़ाई करने के जो कि आपको एक टॉपर बनाते हैं, तो उन सारे तरीकों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाओ। आई कैन सी काफ़ी लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है। घनश्याम कुमार नमस्ते बेटा, खुशबू देवी, स्वीटी, सुमित कौशल, इंदु, रिंकी, हेलो सर, हाउ आर यू, मैं बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो। अंजलि कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा। सुमित कौशल, राम राम जी। चलो 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 चलो, दिव्यांशी यादव, पुष्पेंद्र वर्मा, रुपेश कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट आओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक मार के जाना सबके सब आज चैनल पे, ठीक है। और नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना ताकि इस तरीके के जो भी अपने सेशन आए ना वो सारे आप लोगों को दिखते रहे, है ना। शिवानी नाथ, रुपेश कुमार, पुष्पेंद्र वर्मा, हेलो बेटा सब लोगों को। तो फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद मैं आप लोगों को आज की क्लास में क्या बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या टिप्स यूज़ करनी चाहिए पढ़ाई के लिए कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और ये प्रॉपर टेस्टेड टिप्स हैं। बस एक तो होती है कि बातें बस कहने की बातें होती है, हवा की बातें होती है, ये वो टिप्स लेके आऊँ मैं आप लोगों के लिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया है, मैंने खुद ने यूज़ किया है और वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। सुधांशु सिंह, गुड आफ्टरनून। राकेश नस्कर, तुन्नी कुमारी, रिंकी श्रीवास्तव, शिवांश कुमार, वासिल कुरैशी, बहुत बढ़िया सब लोग। यार चैनल वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये वो चीज़ें हैं, जैसे अपना जो पहला सेशन हुआ था मेंटल हेल्थ वाला, तो भी आप लोग दूसरों को शेयर करके उनके साथ भी अच्छा कर सकते थे। ये भी सीक्रेट स्टडी टिप्स है। ऐसा नहीं है कि सीक्रेट स्टडी टिप्स है तो अपने पास ही रखनी है, दूसरे वाले को नहीं बताने की वो टॉपर बन जाएगा। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पता बहुत लोगों को होती है लेकिन कर नहीं पाते ना लोग। सबको पता है बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा बड़ा आदमी बन जाऊँगा, हर कोई तो नहीं बन पाता ना। तो वो पढ़ाई करूंगा तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, वो आज की क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटे। तो चालू करते हैं अभी अपन अपनी क्लास को बिना किसी देरी के साथ। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है। रामकरण सैनी, ईशा, बहुत बढ़िया। तो यार अब मैं बात करूं क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन, क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। सीक्रेट स्टडी टिप्स, बेस्ट हैबिट्स टू स्कोर हाई मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेस्ट हैबिट्स क्या होनी चाहिए आपके अंदर, चालू करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपर्स की जो स्टडी टिप्स होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि कोई जो आप लोगों की हर क्लास में टॉपर होते हैं यार, कि अगर आपकी क्लास को में कोई टॉपर है तो उनकी क्या तरीके वो यूज़ करते होंगे, है ना। आप में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी अपनी क्लास के टॉपर हैं, तो आप लोग सारे मेरी बात से एग्री जरूर होंगे एट द एंड कि हाँ यार हम भी तो ऐसे ही करते हैं। चाहे आपको पता ना हो कि हम ये तरीके अपनाते हैं इसलिए हम टॉपर हैं, लेकिन एट द एंड इस क्लास के सेशन में आप लोगों को ये रियलाइज़ जरूर होगा कि ये दाढ़ी वाला जो बोल रहा था ना कि ऐसे करने से टॉपर बनते हैं, हाँ भाई हम भी तो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हम अच्छे नंबर लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो उर्वी पाटिल, लेट्स बी टॉपर, लेट्स रॉक इट, यो। चलो भाई, तो पहली टिप, सबसे पहला पॉइंट, सेटअप योर स्टडी स्पेस। मतलब तुम्हारे घर में डजंट मैटर कितनी जगह है, कितने कमरे हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह तो एटलीस्ट अपने पढ़ाई की रिजर्व रखूं कि यार ये मेरा पढ़ाई करने की जगह है। अगर एक प्रॉपर रूम है, छोटा रूम है, ये मेरा पढ़ाई करने का रूम है, क्योंकि पढ़ाई करने जब अपन लोग बैठते हैं ना बेटे, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मुझे अपने आसपास क्या चीज़ें दिख रही है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, है ना, कि जब अपन पढ़ाई करने बैठते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि मेरे को अपने आसपास में क्या दिख रहा है। अगर मैं अपने पढ़ाई की एक स्पेस बनाऊंगा जहाँ पे क्या होगा, मेरे यूज़ की सारी की बुक्स यहाँ पे, सारी नोटबुक्स यहाँ पे, स्टेशनरी सब कुछ यहाँ पे, मैं मेरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, फिजिक्स के फॉर्मुलाज हो गए, मैथ्स के फॉर्मुलाज हो गए, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं मेरे को एक बार ये भी बताओ सारे यहाँ पे, जो भी जिस भी क्लास का ना सब अपनी अपनी क्लास लिखो, 9th, 10th, 11th, 12th, या नीट के हो, जेई के हो, सब लोग अपनी अपनी क्लास लिखो, है ना, 7th, 8th, जितने भी जो भी जिस भी क्लास के बच्चे हैं ना सब लिखो एक बार। तो जिस भी क्लास के तुम्हारे देखो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर क्लास में होते हैं, तो उनको एक पेपर पे चिपका के अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपकाओ। तो जब तुम पढ़ने बैठोगे तो पहले उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह को पढ़ोगे, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को पढ़ोगे, उसके बाद तुम पढ़ने बैठोगे, और जब अपनी पढ़ाई खत्म करके उठोगे तो पहले उनको पढ़ना, उसके बाद अपनी टेबल से उठना। ये कुछ रूटीन्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत के
मतलब 5-6 दिन करने में, हद से हद 1 हफ्ता करने में तुम लोगों को बहुत ऐसा लगेगा यार बहुत हेक्टिक हो रहा है कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ फॉर्मूले पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ के उठ रहा हूँ फॉर्मूले पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब एक बार ये रूटीन में आ गया ना मेरे बेटे, एक बार जो ये रूटीन में आ गया, क्योंकि हर एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और उसको बहुत सी बार हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है। कोई बड़ा न्यूमेरिकल भी आता है तो उसको भी हम इसलिए नहीं कर पाते कि एक आध फॉर्मूला मिस कर जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। तो आई कैन सी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हैं 9th, 10th, 11th और 12th के अधिकतर बच्चे हैं ना, और जो हैं 12th के साथ ही नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है वासिल कुरैशी। चलो तो यहाँ पे मेरे पास हर रेंज का बच्चा है, तो ये जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ ना बेटा आप लोगों को, ये हर एक क्लास रेंज के अकॉर्डिंग काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये 9th वाले बच्चे के लिए काम करेगी या 11th वाले के लिए करेगी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले के लिए करेगी, हर एक बच्चे के लिए ये टिप्स काम करेंगी, ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड एन एरिया इन योर हाउस वेयर यू कैन सिट कंफर्टेबली एंड फोकस, मेक इट सेपरेट टू योर रिलैक्सेशन स्पेस, आइडियली अवे फ्रॉम अ टीवी स्क्रीन और अदर डिस्ट्रैक्शंस। देखो एक सेपरेट एरिया तो बनाना ही है, ऐसा नहीं है कि स्टडी टेबल तुमने टीवी के सामने लगा ली, भैया यहाँ पढ़ रहे हैं टीवी भी चल रही है ना, कुछ भी मूवी वूवी चल रही है, ये नहीं यार। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, है ना। और जो भी तुम में से कोई बोल रहा था सर छत पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं क्या, बेटा छत पे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यार, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तुम इधर देखोगे उधर देखोगे, तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पड़ोस वाले अंकल ऊपर आ गए, पड़ोस वाली आंटी ऊपर आ गई, है ना। तो ये सारे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कुछ मतलब बंदर आ गए, चिड़ियाँ उड़ रही है यार। ऐसे बंद कमरे में बैठो जहाँ पे तुम्हें हर जगह पढ़ाई दिखे, मतलब हर चीज का ना हर जगह का एक ऑरा होता है। इस बात को मैं छोटा सा इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें कि अपन, ठीक है अपन जो भी जिस भी रिलीजन के हैं, अपन हिंदू मुस्लिम है सब, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो तुम लोग मंदिर जा रहे हो, तो काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मंदिर जाके एक अलग सा फील आता है, थोड़ी शांति सी महसूस होती है, ठीक है। पहाड़ों में जाके एक अलग सी शांति सी महसूस होती है, जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो यार वहां का वो ऑरा है, वहां का वो ऑरा है, उस जगह का एक ऑरा है, वहां पे जाके हमें शांति महसूस होती है। जो तुम्हारा पढ़ाई वाला कमरा जो तुम बनाओगे ना, उसमें जब तुम पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई का माहौल रहेगा और अपने आप चीजें तुम्हारे अंदर घुसेंगी। मैं अपनी बात बताता हूं तुम लोगों को, जब मैं खुद अपनी जेई की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपना एक रूम बना रखा था, मतलब इतना बड़ा रूम था जिसमें इधर सारी बुक्स, इधर सारी नोटबुक्स, यहाँ पे कॉपी पेन पेंसिल, ठीक है, थोड़ा बहुत खाने पीने का भी एक मैंने सेट रख रखा, यूनि पे फैला हुआ है टेबल पे, है ना। और मैंने अपने सामने दीवार पे पूरे फॉर्मुलेस वगैरह सारे ऐसे पूरा भर रखा था, मतलब उस कमरे में घुसते ही मुझे अपने आप मन करता था कि यार मैं पढ़ने क्यों नहीं बैठूं। अब उस कमरे में घुसते ही मुझे अपने आप मन करता था यार क्या सही एकदम पढ़ाई का माहौल बन रखा, चलो पढ़ने बैठते हैं, मतलब लिटरली ये बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, अपनी पढ़ाई का जगह इतनी अच्छे से मेंटेन करके रखनी है, साफ सफाई के साथ पूरी, मतलब फॉर्मूले वगैरह चिपका रखे तुम लोगों ने, ताकि उसको देख के तुम्हें पढ़ाई करने का मन करे। हिमांशु सिंधवानी सर थैंक यू, आप इतने अमेजिंग सेशन लेके आते हो हमारे लिए, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच बेटा। शार्वी भी आ चुकी है, दिव्यांशी यादव, घनश्याम कुमार। अच्छा किसी को कोई डाउट हो इनसे रिलेटेड तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया कि तुम्हें पढ़ाई का कमरा कैसे बनाना है, पढ़ाई किस जगह पे करनी है, अब क्या है कि पढ़ाई कैसे करनी है। जो भी टीचर तुम्हें कुछ भी पढ़ा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट की तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, नोट्स बनाओ। जिस भी क्लास की तुम क्लास अटेंड, जो जिस भी क्लास में तुम हो, कोई से भी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हो, नोट्स बनाओ। अपनी अपनी पेस पे पढ़ाई करो, स्टडी एट योर ओन पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे के लर्न करने की एक स्पीड होती है, सेम ही टॉपिक है, ठीक है, सेम ही टॉपिक है। मान लो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना, तो रे ऑप्टिक्स की बात मैंने कर ली, चलो ठीक है, या टेंथ वाले भी रिलेट कर पाएंगे अपना जो लाइट चैप्टर है ना। तो हर बच्चे के लिए उसको पढ़ने की स्पीड अलग अलग होगी, या जिस भी टॉपिक की है, कोई बच्चा उसको जल्दी समझ जाएगा, किसी बच्चे को टाइम लगेगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो हर बच्चे की, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक स्पीड होती है चीजों को समझने की, चीजों को लर्न करने की। तो इस बात को लेके घबराना मत कि यार मैं तो धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, ये मेरे पड़ोस वाला बहुत जल्दी पढ़ लेता है, या ये मत सोचना मैं तो बहुत जल्दी पढ़ लेता हूं, ये पड़ोस वाला बहुत धीरे पढ़ता है। हर एक इंसान की एक अपनी स्पीड होती है पढ़ने की, है ना, हर एक इंसान की अपनी एक स्पीड होती है पढ़ने की, एंड यू शुड फोकस ऑन दैट कि तुम चाहे धीरे पढ़ो चाहे तुम जल्दी पढ़ो, लेकिन वो चीज, जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो ना, वो तुम्हारे दिलो दिमाग और नसों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देखो मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है जो तुम लोगों को पढ़ना है, एक बच्चा होगा जिसका ठीक है उसने उसको 3 घंटे में पढ़ लिया, तुम मान लो थोड़ा धीरे पढ़ रहे हो, तुमने 5 घंटे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ 5 घंटे, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारी नॉलेज और उसकी नॉलेज बराबर होगी, इनफैक्ट
शायद तुम्हारी ज्यादा हो क्योंकि तुमने चीजों को बहुत आराम 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 से समझा है। तो इस चीज से कभी दुखी मत होना यार कि मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूं, ये सामने वाला बहुत तेज पढ़ रहा है। इन चीजों से तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है पढ़ने की, अपनी अपनी स्पीड से पढ़ो, ठीक है। प्लान योर डे अहेड, अगले दिन की प्लानिंग करके रखो कि भाई आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, कल मेरे को इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, मान लो चलो, है ना, फिर मेरे को एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन अगले दिन करूंगा, है ना। तो एटलीस्ट ज्यादा आगे के दिन नहीं तो भी अपना जस्ट नेक्स्ट डे तो तुम लोगों को प्लान करके रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये चीज है यार कि तुम, जैसे मेरा कल का दिन है, ठीक है, एक तो हो सकता है कि मैं आज ही उसकी प्लानिंग करके रात को सोऊं कि यार मेरे को कल ये काम करने हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने सुबह उठूंगा कि मेरे को इतनी बजे उठना पड़ेगा, है ना। एक ये है कि भाई मैं कल सुबह एकदम आराम से उठा और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अरे आज तो मेरे को ये करना था, फिर मेरे को उनमें से कोई काम याद आएगा, अरे यार मेरे को तो आज इतने सारे काम करने थे, तो ये काम तो मुझे सुबह 10 बजे ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं सो के ही अगर 12 बजे उठाऊं तो वो तो मैं कर ही नहीं सकता। अगर मैं सो के ही 12 बजे उठाऊं तो वो 10 बजे वाला काम तो मैं कर ही नहीं सकता। 12 बजे उठने के बाद तो मैं सोचूंगा कि ये काम तो मुझे 10 बजे करना चाहिए था ताकि ये सारे काम जल्दी हो जाते। लेकिन वही चीज अगर मैं सैटरडे को प्लान कर लूंगा कि भाई संडे को मेरे को ये सारे काम करने, तो मुझे इतनी बजे उठना है, इतनी बजे सारे काम करने, तो अगले दिन की तैयारी करके सो कि मेरे को ये काम अगले दिन निपटाना है, ठीक है। तो एक अंदर से भी मोटिवेशन रहता है कि हाँ कल का दिन मेरा सॉर्टेड है, ये काम मेरे को करना है, इतनी बजे उठूंगा, ये सारे काम मैं कर लूंगा। और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि हाँ तुम कर लोगे, तुम कर पाओगे, तुम चीजें मुश्किल नहीं है, तुम अगर स्लो भी पढ़ रहे हो तो भी धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, तुम चीजों को समझ जाओगे। और अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि तुम चीजों को समझो। किसी भी एग्जाम के लिए जितना टाइम तुम्हें मिलता है ना, तुम एक क्लास में एक साल तक पढ़ते हो, और वो एक साल इतना सफिशिएंट होता है कि तुम अगर बहुत स्लो स्लो भी अगर पढ़ोगे ना, बहुत स्लो स्पीड पे भी अगर तुम लोग पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। तो भागने की जरूरत नहीं है, पक्की बात बेटे। खुशबू देवी सर डाउट है बताओ, शालिनी कुमार हेलो बेटा बताओ, जिसको जो भी डाउट है पूछो फटाफट, ठीक है। तो एक अपना माइंडसेट जो है ना तुम लोगों का पॉजिटिव रखो थोड़ा कि यार मेरे को ये चीज अगर करनी है तो चीजें मुश्किल नहीं है, तुम लोग अगर कोशिश करोगे तो तुम लोग कर पाओगे। ये तो तुम्हारी पर्सनल चीजें हैं जो तुम्हें खुद से करनी है। और अभी अगर मैं बात करूं यार, पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तुम लोगों को सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को स्कूल में जाके मास्टर ने पढ़ा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, ठीक है, तुम्हें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आगे बात बताऊंगा। अभी अगला पॉइंट अपन अभी डिस्कस करते हैं, वो है क्या, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं यार, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं तुम लोगों को। जैसे कि तुम पढ़ने बैठे हो भाई, ठीक है, तुम पढ़ने बैठे हुए हो, पढ़ने बैठते बैठते तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम बैठे तो यहां हुआ हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो अधिकतर लोगों के साथ होता है, बैठे तुम यहां पे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अरे यार आज तो मेरे को वहां जाना था, आज तो मेरे को उसने बुलाया था, आज तो मेरे को साइकिल रेस करने जाना था उसके साथ, अरे आज तो मेरे को वहां जाना था। नहीं, अपने दिमाग को इस तरीके से, मतलब मुश्किल होता है अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज़ कि अपने दिमाग को फोकस करो। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो तो होना भी मत, मतलब ये कोशिश करना कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो डूब के पढ़ो उसमें, ठीक है, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उस चीज़ में डूब के पढ़ो। तुम लोगों को भी पता है कि तुम्हारे लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन से बच के चलो, क्योंकि अल्टीमेटली यही बात मैंने पिछले सेशन में ही बोली थी मेंटल हेल्थ वाले में भी कि अभी पढ़ते टाइम कोई ऐसा काम मत करना जिसको तुम्हें 2 साल बाद या 4 साल बाद रिग्रेट करना पड़े कि यार ये काम मेरे को नहीं करना चाहिए था। अभी सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। वासिल कुरेशी साहब, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे ना, इसका मतलब यह है कि तुमने फिजिक्स को फील लेके नहीं पढ़ा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यह है कि तुमने फिजिक्स को फील लेके नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर फिजिक्स को फील लेके पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल भी बनेंगे, ठीक है। अभी मैं क्लासेस लेता हूँ फिजिक्स की भी डाउटनेट ऐप पे, तुम लोग अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को भी, है ना। और दूसरा, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कैसे करने हैं। देखो मेरे बेटे, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का बस एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर फोकसिंग। क्योंकि तुम क्या सोच रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी बार क्या होता है कि तुम ना चाहते हो भी किन्हीं चीजों को सोचते चले जाते हो, जिनको अपन ओवरथिंकिंग भी बोलते हैं, ज्यादा सोचना। लेकिन तुम लोगों को अपने दिमाग को फोकस रखना पड़ेगा कि अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में कोई और थॉट आना ही नहीं चाहिए। अगर ये भी आ जाए ना कि यार मेरे को शाम को वहां जाना है, नहीं अभी नहीं बात करनी इस बारे में, अभी मेरे को पढ़ना है, शाम को पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, घूमने फिरने जाना है, नहीं अभी नहीं सोचना उसके बारे में, अभी मेरे को पढ़ाई करनी है,
ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को अपने माइंड को बांध के रखना है। तो उसके बाद क्या होगा ना, थोड़े दिन तुम्हें बांधने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जब तुम्हें अपने आप पढ़ाई जब तुम बांध के करोगे ना अपने दिमाग को, तो पढ़ाई अपने आप तुम्हारे जब अंदर घुसने लगेगी ना, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट फील होगा मेरे बेटे, इतना अच्छा तुम्हें फील होगा कि तुम अपने आप पढ़ाई पे फोकस्ड हो जाओगे। एक बार पुश करना पड़ता है यार चीजों को, कि तुम अपने दिमाग को इधर उधर ना सोच के पढ़ाई करने बैठ रहे हो, दिमाग डाइवर्ट हो रहा है मत होने दो, दिमाग डाइवर्ट हो रहा है मत होने दो। थोड़े दिन आप लोगों को बहुत फोर्स रखना पड़ेगा अपने आप को, जब पांचों दिन अपने आप लोगों को पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंट फील होगा ना, तो तुम्हें जिंदगी बढ़िया लगने लगेगी, हाँ यार मेरे को पढ़ाई की चीज अब सारी आ रही है, अब मैं पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ठीक है, चलो तो अगला पॉइंट है भैया अपना सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ही ज्यादा जरूरी। तुम लोगों ने अपनी लाइफ में जितने भी बड़े बड़े लोगों का नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम हो गया, बिल क्लिंटन हो गया, बिल गेट्स हो गए, जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी लोग, अनगिनत लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने अपनी लाइफ में, एक चीज जो हर एक इंसान में कॉमन थी वो है सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत बड़ी चीज है बेटे, अगर अपने जिंदगी में उतार लिया ना सेल्फ डिसिप्लिन, इतनी ऊंचाइयां छू जाओगे ना, मतलब बहुत बढ़िया। जो भी एग्जाम तुम क्रैक करना चाहते हो ना, अगर सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, एक तो ये होता है यार कि तुम मस्ती कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांट डांट के पढ़ने बैठा रहेंगे, ए कहां घूम रहा है इधर आके पढ़ने बैठ, फिर तुम थोड़ी देर में उठ गए, फिर उठ के तुम्हारे घर वाले बैठा रहे, अरे बेटा पढ़ने बैठ, अरे बेटा पढ़ने बैठ, ये तुम्हें बाहर से फोर्स किया जा रहा है पढ़ने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डिसिप्लिन में रख रहे हैं कि बेटा जा पढ़ने बैठ, टीचर बोल रहा है ये पढ़ो, टीचर बोल रहा है ये होमवर्क करके लाओ। एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन कि वो चीजें तुम खुद बोलो अपने आप से कि यार मेरे को बहुत देर हो गई है घूमते हुए, अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, यार मैंने ये होमवर्क नहीं किया, कल की क्लास में होमवर्क दिया है मेरे को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। खुद का डिसिप्लिन तुम खुद मेंटेन कर रहे हो कि मुझे पढ़ना है, उसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। हर एक चीज में तुम जिस भी, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, जिंदगी जीने का तरीका है मेरे बेटे ये सेल्फ डिसिप्लिन, सिर्फ पढ़ाई करने का तरीका नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन। हर एक चीज, जिस भी चीज को तुम करना चाह रहे हो उसमें अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे, अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर कोई और तुम्हें किसी काम को करने के लिए बैठा रहा है कि जा बेटा पढ़ने को बैठ, तो तुम्हारा मन तो नहीं है पढ़ने का बैठने का, तुम्हारे कोई फोर्स कर रहा है, लेकिन अगर तुम अपने आप को फोर्स करोगे कि नहीं जा प्रबल पढ़ने बैठ, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अपने आप का रूटीन एक रखना कि हाँ यार मेरे को सुबह इतनी बजे पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है। हाँ, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अगर तुम 7 बजे पढ़ने नहीं भी बैठे तो कोई नहीं बोलेगा तू पढ़ने नहीं बैठा, ऐसा भी होगा, लेकिन तुम खुद होने चाहिए जो अपने आप को बोलो, अपने आप को डांटो कि तू पढ़ने क्यों नहीं बैठा। ठीक है, तो जितने भी महान महान लोग रहे ना, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में, सब में एक चीज जो कॉमन थी वो है सेल्फ डिसिप्लिन मेरे बेटे, पक्की बात। चलो अगले पॉइंट पे आता हूं मैं, अब ये है प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें जो आप लोगों को पढ़ते टाइम करनी चाहिए। ठीक है, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, लेट योर माइंड रेस्ट एंड रिचार्ज। देखो होता क्या है, जब तुम पढ़ रहे हो ना, सारे बच्चे इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब तुम लोग पढ़ रहे हो तो होता क्या है, मान लो तुम, हर बच्चे की अब अपनी अपनी सिटिंग कैपेसिटी होती है, कोई बच्चा एट अ टाइम बस आधे घंटे ही पढ़ पाता है, उसके बाद उसका दिमाग मचलने लगता है, कोई एक बार में 1 घंटा पढ़ पाता है उसके बाद मचलने लगता है, कोई होता है जो 1.5 घंटा पढ़ता है फिर मचलता है, फिर कोई होता है जो 2 घंटे बैठ के पढ़ लेता है फिर मचलने लगता है। तो हर बंदे की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, जिसको अपन बोलते हैं सिटिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि वो एक बार बैठने पर कितनी देर पढ़ सकता है। ठीक है, तो हर बंदे की एक अलग अलग होती है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने पढ़ लिया, सबसे पहली बात तो अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन किया यार थोड़ी देर उठ के आता हूं, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो कि नहीं थोड़ी देर और बैठता हूं फिर जाऊंगा। ऐसा मत करना कि जाओ ही नहीं, थोड़ी देर और बैठूंगा फिर जाऊंगा, है ना, और वहां जाके क्या करूंगा, थोड़ी देर ठीक है मैंने 1 घंटे पढ़ लिया 1.5 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हारे दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। रेस्ट दिया कैसे, कि मान लो ठीक है थोड़ी देर बाहर घूमा है ना, घर वालों से बात कर ली, सब लोग घर में ही अभी, तो अपने अपने घर वालों से बात कर ली, थोड़ा कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, है ना, जूस ले लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिए, स्ट्रेच करो, हग योर पेट, अगर तुम्हारे घर में कोई पालतू जानवर है उनके साथ टाइम बिताओ। ठीक है, अपने पौधों को पानी दे दिया, कुछ भी, मतलब जो भी तरीके हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है ना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, हैव अ क्विक स्नैक, कुछ भी थोड़ा सा खा लिया, नाश्ता कर लिया, ठीक है, चाय पी ली, कॉफी पी ली, ये सारी चीजें तुम लोगों को करनी है। लेकिन इसमें एक बात का जो तुम्हें ध्यान रखना है वो सुनो,
मान लो तुम एक घंटा पढ़ लिए और तुम्हें चाहिए कि यार मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, चलो 10 मिनट बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठूंगा। तुमने सोचा यार 10 मिनट में टीवी देख लेता हूँ, और टीवी में अगर तुम 10 मिनट बैठे तो 10 मिनट मतलब मेरे बेटे 10 मिनट होने चाहिए। यहां काम आता है तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन, यहां काम आता है तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन। तुम टीवी के सामने बैठे 10 मिनट, लेकिन यार 2 मिनट और 2 मिनट और करते करते 1 घंटे और बैठ गए ना, समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, समाप्त हो जाएगी सारी चीजें। वहीं तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन मात खा जाता है और वहीं चीजें खराब होने लग जाती है। ठीक है, तो यही एक ब्रेक लेना है, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से लेना है कि उस ब्रेक में मैं क्या करूं कि मैं दोबारा अपने पढ़ाई पे जाके बैठ सकूं। और ऐसा नहीं है कि आधे घंटे हर आधे घंटे बैठ के पढ़ने के ब्रेक ले लिया, यार आधा घंटा पढ़ लिया अब तो ब्रेक लेता हूं, चलो वॉशरूम होकर आता हूं, चलो सुसु करके आता हूं, चलो ये करता हूं वो करता हूं। नहीं भाई, तुम लोगों को, जो लोग नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ये बात बता रहा हूँ, अपनी सिटिंग कैपेसिटी 3 घंटे की बना लेना पेपर देने से पहले। 3 घंटे की अगर तुम लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी बना ली तो तुम लोग मौज कर दोगे, नहीं तो बहुत दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का है, अब तुम्हारी अगर सिटिंग कैपेसिटी 1 घंटा या उससे कम है तो तुम्हें तो हर 1 घंटे के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर उठ के बाहर जाना है, फिर उठ के बाहर जाना है। पेपर में तो तुम्हें 3 घंटे बैठना है, और उस 3 घंटे में तुम जितनी बार बाहर जाओगे ना उतना तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। ऐसा तो नहीं है कोई स्टॉप वॉच लेके खड़ा है कि नहीं अभी बाहर जा रहा है, सूसू करने जा रहा है तो इतना टाइम इसको और आखिर में दे देंगे, ये तो नहीं होता ना मेरे बेटे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी सिटिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 3 घंटे की बनानी है, ताकि 3 घंटे जब एक बार पेपर देने तुम बैठो ना भाई, हिलने की जरूरत ना पड़े तुम लोगों को। एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है यार, 30-30 सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसलिए अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। जो 9th-10th वाले बच्चे भी, उनका भी फाइनल एग्जाम तो 3 घंटे का ही होता है यार, तो अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाते चलो। यार जितने भी लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, काफी बातें अपन कर चुके हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करो, सब लोग शेयर करो जिनके साथ तुम इस चीज को शेयर करना चाहते हो। आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी लाइक्ड राइट नाउ राइट हेयर, फटाफट से लाइक करो सब लोग वीडियो को। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें अपनी हुई, आगे की बात बताता हूँ तुम लोगों को। आगे की बात कि अगर तुम लोगों को अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने में कुछ भी डाउट आ रहा है तो क्या, स्पीक अप एंड आस्क फॉर हेल्प। हेल्प के लिए पूछो, किनसे पूछोगे अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से। तुम्हें कोई डाउट आया टीचर से पूछो, तुम उनसे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करवाओ कि सर मैंने इस तरीके से पढ़ा है, ये चैप्टर मेरा हो गया, ये मेरे को डाउट आया है, मैं इस तरीके से आजकल पढ़ रहा हूँ, सर मुझे बताओ क्या ये सही है या ये गलत है। ठीक है, शार भी सर आते ही कर दिया था। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना अभी तक, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। ठीक है, चलो शेयर भी कर दो अपने अपने लोगों के साथ जिनके साथ तुम शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को। रिंकी सर, कौन सी क्लासेस लेते हो आप? बेटा मैं तो 9th से लेकर 12th तक और नीट और जेई सारी क्लासेस लेता हूँ, बट इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वो वेरी करती रहती है। ठीक है, चलो, स्पीक अप एंड आस्क फॉर हेल्प व्हेन थिंग्स गेट टफ एंड डोंट जस्ट पुश इट। जब चीजें मुश्किल हो जाती है ना तो उसको जबरदस्ती धक्केबाजी मत करो, उसको जाके अपने टीचर से बात करो कि सर मैं इस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इस चैप्टर में मेरे को ये दिक्कतें आ रही है, डाउट पूछो उन लोगों से, है ना, उन लोगों से पूछो कि सर जिस तरीके से मैं ये पढ़ रहा हूँ मुझे थोड़ा गाइड करो। तो एक पर्सनल गाइडेंस जब तुम लोगों को मिलेगी ना तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगा। ठीक है, दूसरी बात, सपोर्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल एज लॉन्ग वी आस्क फॉर हेल्प। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर हमने तो हमारे टीचर से पूछा था और उसने मदद नहीं करी। हो सकता है कभी वो बिजी रहा हो, कभी नहीं करे, बट दोबारा पूछो, तीसरी बार पूछो, वो मदद जरूर करेगा। ठीक है, वो मदद जरूर करेंगे, हम भी है, हमसे भी पूछे जाती है चीजें। ठीक है, तो हम लोग भी मदद करते हैं आप लोगों को, हमसे भी कोई डाउट आता है, आप लोग डाउट नट पे जितनी भी लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है पढ़ाई करने में, किस तरीके से करना है, ये क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, मैं पढ़ा रहूँगा, कोई और सर पढ़ा रहे होंगे, कोई और मैडम पढ़ा रही होंगी, हर कोई आपको इस चीज़ के बारे में गाइड जरूर करेगा। ठीक है बेटे, और अब तुम्हें कोई और डाउट हो तो मेरे को बताओ, अब तुम्हें कोई और डाउट हो तो बताओ। सर आपके 10th में कितना परसेंटेज आया था? बेटा मैं CBSE बोर्ड में था 10th में, और मेरे 10 CGPA बने थे 10th में, तो ठीक है बताओ यार, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब तुम लोगों से बात करने के लिए खड़ा हूँ अभी मैं यहाँ पे, अब बताओ भाई लोग, कोई डाउट हो तो बताओ। अभी अब मैं सिर्फ तुम लोगों से बात कर रहा हूं अभी, अब ठीक है, मैं जो चीजें लेके आया था वो हो चुकी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी वापस बोलना चाहूंगा कि सपोज करो तुमने सुबह से शाम तक कुछ पढ़ाई करी, तो जब तुम अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हो ना, जब अपनी पढ़ाई खत्म कर रहे हो तो दिन भर जो तुम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज जरूर करना मेरे बेटे।
बहुत ही चमत्कारी तरीका है ये काम करना बहुत ही चमत्कारी तरीका है अपने नंबर्स को बूस्ट करने का। कि अगर तुम लोग ने जैसे मान लो सपोज करो तुम लोग 11th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, तुमने सुबह से शाम तक कुछ चीज पढ़ी है ना, जब तुम सोने जा रहे हो ना रात को या जब तुम पढ़ाई खत्म कर रहे हो अपनी, सुबह से शाम तक जो एक बार पढ़ा ना उसको एक बार ऊपर से देख जरूर लेना। ये नहीं कह रहा दोबारा पढ़ो, हाँ मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे तुम लोगों को, मुश्किल से 10 मिनट यार। अगर तुम लोग दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो आखिरी के 10 मिनट तो दे सकते हो ना, वो 10 मिनट इतने कमाल कर देंगे ना तुम लोगों की पढ़ाई में, तुम्हें खुद को फील होगा जब तुम लोग ये काम करने लगोगे। ठीक है, तो तुम लोगों ने दिन भर पढ़ाई करी, आखिरी का जब तुम्हारा पढ़ाई खत्म होने वाली है, खत्म हो गई पढ़ाई, सारा सब कुछ एक बार देख दो, हाँ ये मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये होता था, इसमें ये होता था, हाँ ठीक है ये पढ़ा मैं पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये भी पढ़ा था, इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, खत्म समाप्त, टाटा बाय बाय। ये चीज बहुत कमाल की चीज है, मैंने खुद ने अपनाई थी ये चीज। और जितने भी एग्जाम्स की तुम तैयारी करोगे ना अपनी लाइफ में, ये चीज जरूर रखना कि सुबह से शाम तक तुम जिस भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आखिरी के टाइम पे उसको एक बार रिवाइज जरूर करना सोने से पहले। ठीक है, क्योंकि क्या है, सुबह अपन कुछ पढ़ते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ लिया, फिर अगला टॉपिक पढ़ लिया, अगला टॉपिक पढ़ लिया, तो जो पहला टॉपिक होता है ना वो दिमाग से एकदम थोड़ा सा बाहर चला जाता है या मिक्सअप हो जाता है ना, बहुत सी बार हो जाता है ऐसा। तो जब तुमने पूरी पढ़ाई कर ली ना, एक बार नजर मार लेना एक बार सारे के ऊपर। ठीक है, चलो पक्की बात। आखिरी बात, लर्निंग फ्रॉम होम कैन बी डिफिकल्ट बट इट्स अचीवेबल। घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो आजकल आप लोग, तो यार मुश्किल हो सकता है कि घर बैठ के पढ़ाई करने में मुश्किल हो, क्योंकि आप लोगों को टीचर से गाइडेंस नहीं मिल रही है ये चीजें, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग है ना यार तुम लोगों को गाइड करने के लिए, और क्यों लिए जा रहे हैं सेशन, ताकि तुम लोगों को गाइड कर सके, है ना। और तुम लोग हमें सपोर्ट कैसे दे सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। डाउटनट तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रहेगा। ठीक है, तुम लोग घर पे हो, घर से बैठ के पढ़ाई करनी है, कि रूटीन नहीं है कि सुबह उठ के स्कूल जाना है ना, कि भाई ठीक है उसके बाद ट्यूशन जाना है, फिर होमवर्क करना है, ये रूटीन नहीं है, खुद से तुम्हें सारी चीजें करनी पड़ रही है, लेकिन अचीवेबल है। इससे तुम पता है क्या चीज सीखोगे, ये लॉकडाउन से तुम इतनी चीजें सीख सकते हो कि जो कि तुम्हें जिंदगी में आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी। कैसे, लाइफ लॉन्ग स्किल्स तुम्हें देंगी है, क्योंकि तुम खुद से पढ़ रहे हो यार। खुद से पढ़ना अगर तुम लोग सीख गए ना, तो बहुत आगे जाने वाले हो इस जिंदगी में। अपना एनर्जी और टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि तुम्हें घर पे रहते हुए घर वालों की बातें भी सुननी है, घर वालों के काम भी करना है और अपना पढ़ाई भी मैनेज करना है। अभी तो क्या है, ठीक है तुम स्कूल चले गए, स्कूल का काम कर लिया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन का काम कर लिया, बाकी टाइम मौज। लेकिन अभी तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना है, खुद से बैठना है, ये मेरा स्कूल का टाइमिंग था, इस टाइम में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, इंडिपेंडेंट बनोगे तुम लोग, कि तुम्हें लोगों की जरूरत कम महसूस होने लगेंगी। हाँ भाई मेरे को अब टीचर की जरूरत कम महसूस हो रही है कि अब मेरे को ये गाइड करे। शुरुआत में तुम्हें जब भी गाइडेंस की जरूरत हो अपने टीचर्स को पूछना। ठीक है, हनी मोदी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। वाह बेटे, मौज कर दी, बहुत बढ़िया बात कही है। ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग तुम्हारी बनेगी कि भैया अब मेरे को सुबह पढ़ना है, उसके बाद मेरे को ये घर के काम भी करने हैं, उसके बाद अब मेरे को पढ़ने बैठना है। यहाँ काम क्या आएगा, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ काम आएगा तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के ऊपर कंट्रोल, कि हाँ भाई तुम्हें अपना पढ़ाई का टाइम मैनेज करना है। दूसरी बात, चलो अभी मैं इस सेशन को यहीं पे कॉन्क्लूड कर रहा हूँ अब। ठीक है, क्या क्या बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है वो सुनो ध्यान से दोबारा। सबसे पहले अपनी पढ़ाई की एक प्रॉपर जगह बनाओ, जहां पे तुम्हें जाके पढ़ाई करने का मन करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और सामान भी भरा हुआ है, उधर टीवी भी लगी हुई है, उधर मोबाइल भी चल रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम लोगों का पढ़ाई की जगह, मतलब सिर्फ पढ़ाई की जगह, और उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए कि भाई वहीं से इधर देखूंगा तो टीवी दिख जाएगी, नहीं। एक जगह बनाओ, मेहनत करो, अगर तुम लोगों के लिए सेपरेट जगह नहीं है तो खुद से क्रिएट करो, कुछ भी करो यार, लेकिन एक पढ़ाई की तुम्हारी सेपरेट जगह होनी चाहिए। उसके बाद सबके पढ़ने की अपनी अपनी स्पीड होती है, उसी स्पीड से पढ़ो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चीजों को रिवाइज जरूर करना, सुबह से शाम तक तुम लोगों ने जो भी पढ़ाई करी उसको रिवाइज करना, जब पढ़ाई खत्म करने लगो तो रिवाइज करना। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री की, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो खैर नहीं, फॉर्मूलेज और इक्वेशंस वगैरह, उनको एक पेपर पर लिख के तुम्हारे टेबल के सामने छापो छापो छापो। ठीक है, उनको पढ़ पढ़ के बैठो, जब भी पढ़ने बैठो पढ़ो उसको, फिर बैठो, फिर जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो तुमने जो दिन भर पढ़ा उसको रिकॉल करना और एक बार फॉर्मूले पढ़ना, फिर उठना। ये चीज अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व, मतलब अडॉप्ट कर ली ना, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें आज की क्लास में, लिख के दे सकता हूं ये मैं आज की क्लास में, कि ये जो तरीके मैंने आज की क्लास में तुम लोगों को बताए हैं ना, स्पेशली ये तरीके कि स्टडी की स्पेस बनाना, फॉर्मूलेज वगैरह सामने लगाना, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, पढ़ाई के बाद पूरा रिवीजन, मतलब उसको रिवाइज मारना, ये 3-4 तरीके अगर तुम लोगों ने अपना लिए
तो बेटे तुम्हें आगे बढ़ने से, टॉपर बनने से कोई रही कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है। चमका मेरे बेटे, बताओ यार, अरे मजा आया। कॉम्बो टू बेटा आपकी बात सुन ली गई है, ये क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो अभी आज के सेशन को अपन यहीं पे कॉन्क्लूड करते हैं। कॉन्क्लूड करते करते मैंने आप लोगों को सेशन का सारा भावार्थ, सारांश, कॉन्क्लूजन सब कुछ बता दिया कि भैया क्या है, क्या मेन पॉइंट्स थे सेशन के। सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, घर वालों का ध्यान रखना है, खुद की पढ़ाई का ध्यान रखना है।